हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अपने इस यूट्यूब चैनल पर वापस मिले हैं और हम एक बहुत बेहतरीन शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। केमिस्ट्री के लिए हम लोग पूरी मेहनत के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी केमिस्ट्री आपको फ्री पढ़ाई जाएगी हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। और इसमें पूरी की पूरी केमिस्ट्री मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा और वो भी बिल्कुल फ्री, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इतनी आसान केमिस्ट्री आपने शायद ही इससे पहले कहीं पढ़ी होगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं IUPAC। IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वो पोर्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और IUPAC बेसिक है, लेकिन इससे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाले नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो इस बटन को जरूर हिट करिए जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर दिख रही होगी। आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर ज्वाइन करने का फायदा क्या है? इस पर ज्वाइन करने का फायदा ये है कि जब आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेंगे तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा। और इस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कैसे करना है? आप हमारे इस YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी और उसी लिंक के थ्रू आप हमारे इस चैनल को, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिस पर हम बहुत सी अमेजिंग रील्स और कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट आपके लिए डालते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की लिंक हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। चलिए बिना देरी किए आज हम IUPAC का पहला लेक्चर, अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर के लास्ट तक अगर आप हमारे सभी वीडियो को देखेंगे तो आपको ये मेरी गारंटी है कि आपको जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री से रिलेटेड वो आपको सब कुछ समझ में आएगा। 1 to 1 जितना मैं पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा और आपको बेसिक से लगा करके और हायर लेवल तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। जितना आपके नीट के लिए, आपके चाहे आप 11th में हों, चाहे आप 12th क्लास में हों, चाहे आप IIT की प्रिपरेशन कर रहे हों या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, केमिस्ट्री में जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे आगे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो पहला लेक्चर आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि IUPAC क्यों हमें जरूरत पड़ी, क्यों IUPAC की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम IUPAC का पूरा नाम जान लेते हैं और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि क्यों IUPAC की जरूरत पड़ी। तो IUPAC का पूरा नाम, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, आई फॉर होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है जो आप सब जानते होंगे, आपने 9th 10th में पढ़ा भी होगा। अब IUPAC की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स थे जिनको इंडिया में कुछ और नाम से जाना जाता था, अमेरिका में कुछ और नाम से जाना जाता था, ब्रिटेन में कुछ और नाम से जाना जाता था और कई देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता था। जैसे आपका घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, दोस्त आपको कुछ और बुलाते हैं, तो इस तरीके से अलग-अलग नाम, लेकिन आपका ऑफिशियल एक ही नाम होगा जो आपके स्कूल कॉलेजेस में चलता होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर यह था कि कई सारे नाम कर दिए गए, लेकिन
जब मेडिसिन की जरूरत पड़ी, जब हम लोग मेडिसिन बनाई, तो वहां पर एक ही नाम, हमारे इस यूनियन ने एक ही नाम कहा कि हर जगह एक ही नाम बोला जाएगा, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप ब्रिटेन में हो या कहीं हो, आपको सिर्फ एक ही नाम से बुलाना है उसे, ठीक है? तो क्योंकि इससे कई सारी मेडिसिन्स बनती हैं, कई सारे और प्रोडक्ट बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको एक ही नाम की जरूरत पड़ी। अब इसका नाम करते कैसे हैं, उसके लिए आगे यहाँ पर स्लाइड में बताया गया है। जैसे यहाँ पर होते हैं प्रिफिक्स, रूट वर्ड एंड सफिक्स। अब ये क्या होता है, क्या होता है प्रिफिक्स, क्या होता है रूट वर्ड और क्या होता है सफिक्स, ये अभी हम आज के ही इस वीडियो में जानेंगे, तो हमारे साथ जरूर आप जुड़े रहिए, ठीक है? तो प्रिफिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं प्रिफिक्स। लेकिन इससे पहले एक और तरीका, देखिए प्रिफिक्स जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रिफिक्स और एक होता है प्राइमरी प्रिफिक्स, ठीक है? और इसके बाद आता है रूट वर्ड, फिर आता है प्राइमरी सफिक्स और फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। देखो ये इसको और आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रिफिक्स ये कैसे याद रखते हैं। देखिए आपका एक नाम होगा, जैसे मेरा नाम है सौरभ गुप्ता, ठीक है? जब आप नाम लेते हैं तो क्या नाम लेंगे, सौरभ। तो मेरा नाम सौरभ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, ये हो गया मेरा रूट वर्ड, और सफिक्स में क्या आएगा, गुप्ता, GUPT, ठीक है, गुप्ता, ये हो गया मेरा सफिक्स। और जब आप कुछ सम्मान के भाव से किसी को बुलाते हैं तो आप क्या लगा देते हैं, मिस्टर या डॉक्टर, या अगर लेडीज हैं या फीमेल हैं तो मिसेस, इस तरीके से आप कर देते हैं, या मिस या मिसेस जो भी है, ठीक है? तो ये हो गया, इस तरीके से हम नाम करते हैं, ठीक है? प्रिफिक्स का मतलब कोई मिस्टर, रूट वर्ड किसी का नाम, और सफिक्स में लास्ट का नेम, ठीक है, या सर नेम। अब यहां पर प्रिफिक्स हम जानते हैं, हम केमिस्ट्री पर वापस आते हैं। प्रिफिक्स पर दो होते हैं, एक होता है सेकेंडरी प्रिफिक्स और एक होता है प्राइमरी प्रिफिक्स, फिर होता है रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ये एक फार्मूला है, आपको इसी फार्मूले पर कोई भी IUPAC हो, आपको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। अभी मैं बताऊंगा कौन होता है प्राइम सेकेंडरी प्रिफिक्स, फिर प्राइमरी प्रिफिक्स, फिर रूट वर्ड और फिर प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि रूट वर्ड क्या होता है, व्हाट इज रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का मतलब होता है, रूट वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट। जो भी आपको एक कोई केमिकल फार्मूला आपको दिया जाएगा, तो उस फार्मूले में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं वो रिप्रेजेंट करता है रूट वर्ड। एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार है, पांच है, तो उसके लिए अलग अलग नाम है। तो अगर रूट वर्ड आपसे कोई पूछता है कि रूट वर्ड किसे कहते हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को जो रिप्रेजेंट करता है उसे ही क्या कहते हैं, रूट वर्ड कहते हैं, ठीक है? इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि रूट वर्ड में अगर एक कार्बन है, अगर दो कार्बन है, तीन है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं। अगर रूट वर्ड में केवल आपको एक कार्बन दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 एक कार्बन है, दो कार्बन है CH3, CH3 दो कार्बन हो गए, फॉर एग्जाम्पल तीन कार्बन है तो CH3, CH2, CH3 तीन कार्बन हो गए, चार कार्बन है तो इसी तरीके से बढ़ाते जाइए, चार कार्बन हो जाएंगे। तो अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम लगाते हैं मेथ, दो कार्बन के लिए लगाते हैं एथ, रूट वर्ड में क्या यूज करते हैं, मेथ एथ। तीन कार्बन होंगे तो क्या लगाएंगे, प्रो। चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच के लिए क्या आता है, पेंट। छह के लिए क्या आता है, हेग्स। सात के लिए क्या आता है, हेप। आठ के लिए क्या आता है, ऑक्ट। नौ के लिए क्या आता है, नून। और 10 के लिए क्या आता है, डेक। वन मेथ, टू एथ, थ्री प्रोप, फोर ब्यूट, और इस तरीके से आगे तक। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 6 तक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 6 कार्बन तक ही पूछा जाता है, बहुत रेयर केसेस में आपसे इन यू नो 8, 9 और 10 के बारे में पूछा जाता है, वरना बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं। बताने को और भी आगे हैं, अनडेक डूडेक इस तरीके से हैं, पर उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपको जरूरी है, हमें
प्रोफेसर नहीं बनना है, हमें उतना पढ़ना है जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। अब हम आगे चलते हैं और अब हम समझते हैं कि जो प्राइमरी प्रिफिक्स था, सफिक्स था सॉरी, वो क्या था। अब जैसा कि अभी आपने देखा कि एक कार्बन होगा, दो कार्बन होंगे, तीन कार्बन होंगे, तो जब ये होंगे तो कहीं ना कहीं से तो ये जुड़े हुए होंगे। एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होगा, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से अटैच होगा, तो ये कैसे अटैच होंगे, एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होंगे। ये जिस तरीके से जुड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स। अब ये तीन तरीके से जुड़ सकते हैं। एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड के थ्रू, कार्बन कार्बन जुड़े हैं, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से। तो जब ऐसा केस होता है तो हम क्या लगाते हैं वहां पर, एन। प्राइमरी सफिक्स के लिए क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है, तो हम इन का यूज करते हैं, इन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे मान लो बहुत लंबी सी चेन है और इस चेन में दो जगह कार्बन, दो जगह डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, तो हम डाई इन का यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी बता दें आपको कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम सैचुरेटेड बॉन्ड भी कहते हैं, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच एक कार्बन दो कार्बन और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हैं तो वहां पर क्या लगाते हैं, आयन का यूज करते हैं। अगर एक ही चेन में दो बार ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या लगाते हैं, डाई आइन, या इसे वाइन भी कुछ लोग बोलते हैं, डाई आइन या वाइन, तो डाई वाइन या डाई आइन। ठीक है, अगर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड है तो फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझ लीजिए, बाकी आगे हम बताएंगे इसके प्रेफरेंसेस भी होते हैं, किसको आप प्रेफर करेंगे, अगर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो किसको प्रेफर करेंगे, किसको प्रेफरेंस देंगे, तो वो आगे बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर इन आइन लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे आपका पहला लिखा हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को सही करेंगे तो ये है CH3, फिर लिखा है आपका CH2, फिर लिखा है CH2 और फिर लिखा है CH3। तो इसका नाम कैसे करते हैं, अब इन सब पर मत जाइए, हम आपको सिखाते हैं कैसे नाम करते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको कि आप नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, रूट वर्ड देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहां पर, तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, चार कार्बन दिए हैं। तो हमने आपको बताया था कि चार कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट का यूज करते हैं, ब्यूट यूज कर लिया। अब देखिए यहां पर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। यहां पर कोई नंबरिंग ऐसे एज सच नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 एन, ऐसा नहीं करेंगे, सारे बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली एन लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट एन। ठीक है, अभी बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स कराएंगे, आज के वीडियो में नहीं करा पाएंगे तो अगले की क्लासेस में कराएंगे, इतने आपको हम क्वेश्चंस करा देंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा कोई भी नहीं कराता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं, बस आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए, बने रहिए, और लोगों को भी बताइए, जितने भी दोस्त आपके हैं, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हैं आपके दोस्त के, या आप कोई पेरेंट्स एज सच अगर देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को या अपने आसपास के लोगों को जो भी नीट या जेई की या 11th या 12th में हैं साइंस स्ट्रीम से, तो उनको जरूर इसको फॉरवर्ड करिए जिससे कि उनका भला हो सके, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट फ्री में कोई नहीं देता। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू। देखिए अब यहां पर देखिए डबल बॉन्ड आ गया, हमने क्या लिखा, CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ठीक है, यहां पर CH होगा, आई एम सॉरी,
यहाँ पर भी सी एच होगा और यहाँ पर भी सी एच होगा, क्योंकि तीन बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, एक दो और एक तीन, तीन बॉन्ड बन चुके हैं तो सी एच ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसका नंबरिंग करते हैं हम लोग, यहाँ पर नंबर करते हैं। अब यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है कि नंबरिंग कैसे करेंगे यहाँ पर। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे जिससे कि इस डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, जैसे एक, वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है, ऐसे नंबरिंग करना है कि डबल बॉन्ड जो है या ट्रिपल बॉन्ड जो होगा आगे उसको कम नंबर मिले। ठीक है, उसको हाईएस्ट नहीं लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, इसी को आगे हम चलकर एक नाम होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, आगे जब हम नंबरिंग सिखा रहे होंगे तो वहां पर आपको बताएंगे लोएस्ट लोकेंट रूल, LLR बोलते हैं इसको। ठीक है, LLR रूल जो होता है वो ये कहता है कि लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से भी एक बार करके देख लेते हैं, वन टू थ्री एंड फोर, तो किधर से भी करो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर ही मिल रहा है। तो जब डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिल रहा है तो आप किधर से भी कर दीजिए, तो हम ऊपर वाले साइड से कर लेते हैं। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने, सबसे पहले रूट वर्ड लिखना है, तो रूट वर्ड में चार कार्बन है तो चार कार्बन के क्या लगाते हैं, ब्यूट। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो प्राइमरी सफिक्स में जो इन आ रहा है वो कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, पहली, दूसरी या तीसरी। तो दूसरी और तीसरी में है तो लोएस्ट नंबर देते हैं, लोएस्ट नंबर कौन सा है, दो, तो क्या लिख देंगे यहां पर, दो। और फिर क्या लगाएंगे, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंड डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन टू या टू ब्यूटीन, एक ही चीज है। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखिए पांच कार्बन की चेन है, एक, एक दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा यहां पर है और पांचवा यहां पर है। ठीक है, अगर मैं आपको बना के भी दिखा देता हूं, देखिए जैसे सबसे पहले सी एच एक दो तीन, फिर सी एच नहीं, यहां पर सिर्फ कार्बन होगा, और फिर यहां पर आ जाएगा आपका सी एच टू, सी एच टू एंड सी एच थ्री। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा सी एच सी, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री। ठीक है, अब नंबरिंग करना है तो सीधे से दिख रहा है कि इधर से ही जब नंबरिंग करेंगे तभी हमको क्या होगा, कम नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर कैसा हो जाएगा, ज्यादा नंबर मिलने लगे, मतलब मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम देना है तो वन टू थ्री फोर और फाइव। ठीक है, पांच कार्बन की चेन है, पांच कार्बन के लिए बेटा क्या लगाते हैं, पेंट। अब ये बताइए कि प्राइमरी सफिक्स में आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन या वाइन जो भी बोलते हो। ठीक है, और कौन सी पोजीशन पर है, वन, तो पेंटाइन भी लिख सकते हैं, सिर्फ पेंटाइन, या पेंट वन आइन भी लिख सकते हैं, या पेंटाइन वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम वन पेंटाइन भी लिख सकते हैं, पेंट, अच्छा इधर मेरा वो आ रहा होगा, इधर लिख देते हैं यहां पर पेंटाइन वन। ठीक है, ये हो गया। ठीक, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेंट वन आइन। ठीक है, कुछ भी आप यहां पर, मतलब इनमें से कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स का मतलब होता है साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जो कार्बन में, जैसे जो कार्बन है इसकी चार वैलेंसी आपने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करी, आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और उस हाइड्रोजन की जगह आपने कुछ भी लगा दिया जो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट दिए हैं, जैसे आपने फ्लोरीन लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया, मेथाइल लगा दिया, इथाइल लगा दिया, प्रोपाइल लगा दिया, मेथॉक्सी, इथॉक्सी, कुछ भी लगा दिया, जितने यहाँ पर दिए हुए हैं आप यहाँ पर कोई भी ग्रुप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड का ग्रुप है तो प्रीफिक्स में एल्डिहाइड को फॉर्माइल लिखते हैं, ये कीटोन का ग्रुप है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कीटो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्बोक्सी, एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी,
और नाइट्रोजन के लिए जो NO2 ग्रुप है इसके लिए नाइट्रोसो, अमोनिया के लिए एमीनो, और ये एमाइड के लिए कार्बोनाइल, ठीक है। फिर इसके लिए इस तरीके से क्लोरोफॉर्माइल और नाइट्रोसो, ठीक है, ये यहाँ पर यूज करते हैं। अब अगर फ्लोरीन है तो यूज करते हैं फ्लोरो, फ्लोरीन नहीं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, ठीक है। मान लो तीसरी पोजीशन पर फ्लोरीन लगाए तो क्या लिखेंगे, 3-फ्लोरो-प्रोपेन या ब्यूटेन या जो भी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, ठीक है, ये यहाँ पर है। आप लोग अगर इसका PDF चाहते हैं, ठीक है, जैसे बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि PDF नहीं मिल रही है, PDF नहीं मिल रही है, तो जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, टेलीग्राम का ग्रुप है, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर जितने भी लेक्चर्स होंगे उन सब की PDF वहाँ पर हर रोज मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए इस ग्रुप को, और इस ग्रुप का नाम है केमिस्ट्री बाई सौरभ, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए लिंक से किसी भी कोई तरीके की प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री विद सौरभ सर, ठीक है, इस चैनल का ये नाम है, ये मैं यहाँ पर लिख दिया है हमने, आप इससे भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर ये एक 4 कार्बन की चेन है, CH3, 3 बॉन्ड बने हैं तो इसलिए यहां पर आएगा CH, ऊपर लगा है CH3, फिर आ जाएगा यहां CH2 और यहां आ जाएगा आपका CH3, ठीक। अब आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो आप चाहे इधर से जाइए तब भी 4 कार्बन मिल रहे हैं, सीधे सीधे चलिए तब भी 4 कार्बन मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा केस हो कि आप सीधे चल रहे हो तब भी वही मिले और आप ऐसे जाएं तब भी वही मिले, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चैन को सेलेक्ट करते हैं, ये चैन, ठीक है, ये यहाँ पर इस चैन को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है आपको, नंबरिंग कर दीजिए, ऐसे नंबरिंग करना है कि ये जो सफिक्स है इसको कम नंबर मिले, इसको कम नंबर मिले। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इधर से करते तब इधर से करते तो ये थर्ड पोजीशन पर आता, तो इसलिए इस साइड से नहीं करेंगे, ये गलत लिखा है, इसको मत ध्यान दीजिए, ठीक है, मैं लिख रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या नाम होगा इसका, 2-मिथाइल नाम हो जाएगा इसका, 2-मिथाइल, और फिर इसके बाद 2-मिथाइल आपने लिख दिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया। अब चलिए रूट वर्ड की तरफ, रूट वर्ड में हम क्या लिखते हैं, रूट वर्ड में हम लिखते हैं, सबसे पहले देखिए 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है बेटा, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है। अब यहां पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन, तो नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद अगर नेक्स्ट पर हम बात करें, नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया गया है, पहले ये पहला था ये दूसरा, तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखिए तो यहां पर कितने कार्बन्स दिए गए हैं, तो यहां पर हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग कर देंगे। तो इधर से करेंगे तो यहां पर 3 आएगा, तो इधर से करते हैं तो नाम यहां पर करेंगे तो आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर 2 चीजें लगी हुई हैं, एक तो लगा हुआ है आपका मिथाइल ग्रुप और एक लगा हुआ है आपका ब्रोमीन। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करते हैं, ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो आप बताइए, ब्रोमीन स्टार्ट होता है B से और मिथाइल स्टार्ट होता है M से, तो ABCD में पहले क्या आता है, ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे, बी आता है तो क्या लिखेंगे, 2-ब्रोमो, ब्रोमीन के लिए क्या बताया था, ब्रोमो। इसके बाद आप जाएंगे इस पर, आएगा 2-मिथाइल, 2-ब्रोमो, 2-मिथाइल। अब रूट वर्ड पर जाइए, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, और सारे सिंगल हैं तो इसलिए एन। अगर मान लो कोई एक डबल होता तो क्या करते, उसी पोजिशन को लिख करके और इन लिख देते, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, जैसे यहां पर देखिए ये जो है
तो हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। इस चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया। जब इस चेन को सिलेक्ट कर लिया तो अब हम किसको मिनिमम नंबर देंगे, किसको मिनिमम नंबर देंगे, फिर से वही अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करेंगे। जब फिर से अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर इधर से आप जाइए तो देखिए यहाँ पर होगा 1, 2, 3 और 4। तो इसको एक आपका यहाँ पर है सफिक्स, सॉरी एक यहाँ पर है सफिक्स और एक यहाँ पर है प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स नहीं प्रीफिक्स। तो जब एक यहाँ पर है, ठीक है, तो इन दोनों पोजीशंस को हम नंबरिंग करके ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे, इसी को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, तो ये आता है 3। और यहाँ पर ऐड करेंगे, ऊपर से जब नंबरिंग करी है तो ये आता है 7। ठीक है, 3 + 4 = 7। ठीक, तो उसको प्रेफरेंस देते हैं जो लोएस्ट होता है, जो मिनिमम नंबर है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो यहां पर लोएस्ट कौन है, ये 3। तो ये वाला माना, मतलब इस तरफ से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से नंबरिंग नहीं करेंगे। तो जब इस तरफ से नंबरिंग हम करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा देखिए फिर से वही। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो, फिर आएगा 2 मेथाइल, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल और ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं तो आएगा, आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में बेटा क्या यूज करते हैं, जैसे अगर कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर आपके सामने दिया गया है, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जैसे ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जो क्लोज स्ट्रक्चर होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यूज्ड फॉर हैविंग रिंग और चेन, मतलब क्लोज्ड चेन, चेन नहीं क्लोज्ड चेन, यहां पर लिखेंगे क्लोज्ड चेन, ओपन चेन के लिए नहीं, क्लोज्ड चेन के लिए। तो अगर एक है तो साइक्लो, दो है तो बाई साइक्लो, और आगे बताएंगे कि स्पाइरो क्या होता है, स्पाइरो हम बाद में बताएंगे, अभी इसको सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्पाइरो जैसी चीज कोई एक होती है। ठीक है, साइक्लो बाई साइक्लो सारी चीजें आपको बताएंगे। अब आगे चलते हैं, फिर उसके बाद बचा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में बेटा ये आपके फंक्शनल ग्रुप आते हैं, इसको बहुत अलग से पढ़ाएंगे, हर फंक्शनल ग्रुप पे लगभग एक वीडियो आएगा जिससे कि आपको एकदम चीज क्लियर हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, हर एक चीज पर आपको एक सेपरेट वीडियो मिलेगा। तो फिलहाल आप समझ लीजिए यहां पर कि अगर आपको लास्ट में, जैसे आपको लिखा मिल गया सी सी और सी ओ ओ एच, ये ऐसे आएगा, या यहां पर ऐसे मिल गया कि आप सी ओ ओ सी ओ, इधर आपका सी एच थ्री लिखा है और यहां पर सी एच थ्री लिखा है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। ईस्टर में मान लीजिए यहां पर एक सी एच थ्री ग्रुप लगा है, सी ओ ओ और सी टू एच फाइव आ गया। ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, इधर आपका कोई आर ग्रुप लगा था, एल्काइल ग्रुप, और यहां पर आपने क्या कर दिया, कोई भी आपने क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको आगे कोई भी अल्काइल ग्रुप लिखा मिल जाएगा, और फिर आपको CuNH2 साइनाइड, इसी तरीके से आपका एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल और थायो एल्कोहल। ठीक है, इसको बहुत सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे अलग से, इसको टेंशन मत लीजिए इसकी आप। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको सारी चीजें जितना अभी तक हमने आपको बताया वो सब हम आपको रिकॉल करवा दे रहे हैं। तो देखिए IUPAC कैसे लिखते हैं, इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप सबसे पहले लिखिए पूरे के पूरे, आप जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया गया उसमें देखिए सबसे पहले कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स तो नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, रूट वर्ड होगा ही होगा, बिना उसके तो काम चलना नहीं है, प्राइमरी सफिक्स होगा ही होगा, और सेकेंडरी सफिक्स ऑप्शनल है कि हो भी सकता है, इट मे बी नॉट। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट माने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या मेथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। प्राइमरी सब प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक, साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है वो देखते हैं, साइक्लिक है तो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पायरो, ये सब यूज करते हैं।
रूट वर्ड में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स देखते हैं। एक कार्बन है तो क्या लगाते हैं, मेथ। दो कार्बन है तो क्या लगाते हैं, एथ। तीन कार्बन है तो क्या लगाते हैं, प्रोप। चार कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट। पांच कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंट। और छह कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर प्राइमरी सफिक्स में हम देखते हैं कि जो आपके कार्बन कार्बन अटैच्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं या डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, यानी बॉन्ड जो है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो सैचुरेटेड है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड हैं तो वो अनसैचुरेटेड है। फिर हम क्या देखते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो कौन सा सेकेंडरी सफिक्स है, अगर एल्कोहल है तो अल लगा देते हैं, ओ एल अल। अगर आपका एल्डिहाइड है तो हम अल लगा ए एल लगाते हैं। ठीक है, अगर यू नो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो ओइक एसिड लगाते हैं लास्ट में। ठीक, तो वो सब हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। अब हम नेक्स्ट इसी पर हम आपको पूरा जितना आपको बताया उसको समअप करके आपको एक बता देते हैं पूरा। तो आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक ये चैन है, ये पहला कार्बन। अच्छा, ये भी आपको कैसे जानना है ये देख लीजिए। ठीक है, जितने भी यहाँ पर आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं उन सभी कॉर्नर्स पर कार्बन बैठा दीजिए और कुछ नहीं करना होता। जैसे एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, एक ये है, अगला ये है, ये है और ये। जितने कॉर्नर हैं उन वहाँ पर आप कार्बन कार्बन रख दीजिए। वो कार्बन कितने अपने आसपास के लोगों से अटैच है उस हिसाब से आप हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दीजिए। ठीक, जैसे हम एक पर आपको करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ये पहला है तो यहाँ पर एक कार्बन, आगे बढ़े एक ये कार्बन, फिर आगे बढ़े एक ये कार्बन, सात कार्बन है इस तरीके से, एक और ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये जो कार्बन है पहला वाला, नंबरिंग कर देते पहले, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, छः और सात। ठीक है, सात कार्बन है। तो पहला वाला जो कार्बन है ये सिर्फ एक ही बॉन्ड इधर बना रहा है, यानी इसके पास तीन जगह भी खाली है। एक के साथ बॉन्ड बन गया, अभी तीन बॉन्ड खाली है, तो तीन के साथ और बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो तीन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, यहां पर देखिए एक बॉन्ड बन गया इधर, एक बॉन्ड इधर, तो अब अगला कहां बनाएगा, जितने बचे उतना हाइड्रोजन। एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, तीसरे कार्बन की बात कर रहा हूं, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड यहां, दो कार्बन दो बना लिए हैं, अब ये दो बचे जो है वो हाइड्रोजन से बनाएगा। इसी तरीके से सभी में यही होगा। लास्ट कार्बन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लास्ट कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड इधर बना रहा है, तीन खाली है, तो जब तीन खाली है तो क्या करेगा, CH3। समझ में आ गया। अब आपको बता, अब आप देखिए, जब यहां पर कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, तो अब आप रूट वर्ड पे आ जाइए। रूट वर्ड क्या है, सात कार्बन। सात कार्बन के लिए हमने आपको बताया है कि हेप्ट लिखते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं तो एन लिखेंगे, तो हो गया हेप्ट एन। ठीक है, नाम हो गया इसका, इतना सिंपल नाम है। अगले वाले में देखिए, अब मैं आपको डायरेक्ट नाम बताता हूं। यहां पर पहला कार्बन, ठीक है, अब ये वाला कॉर्नर मत गिनिएगा क्योंकि अब ये बॉन्ड बना गया है, फिर ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन, चार कार्बन हो गए। और एक आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स दिया है, नहीं नहीं प्राइमरी प्रीफिक्स है या सेकेंडरी प्रीफिक्स है आप कमेंट में बताइएगा, फिलहाल ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया गया है। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, मिथाइल है सेकेंडरी प्रीफिक्स, कौन सी पोजीशन पर है, सेकेंड, तो इसलिए हो गया टू मिथाइल। इसके बाद हम देखेंगे कि रूट वर्ड कितने कार्बन है, चेन कितने कार्बन की है, चार, तो इसलिए क्या लिखा, ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, नहीं, बीच में डबल बॉन्ड आया है, कौन सी पोजीशन पर, सेकेंड और थर्ड, तो मिनिमम नंबर देंगे, कौन सा मिनिमम है, टू, तो क्या हो जाएगा, टू। फिर क्या लिखेंगे, ब्यूट, और लास्ट में डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो क्या लिख दिया, इन, ब्यूट इन, टू मेथाइल ब्यूट इन। अब अगला देखते हैं,
अगला देखिए, पांच कार्बन से अटैच है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन से अटैच है, और तीसरी पोजीशन पर आपको ब्रोमीन साहब बैठे हुए मिल गए हैं। तो जब ब्रोमीन बैठे हुए मिल गए हैं तो इसका मतलब है कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स आपको सबसे पहले लिखना है। सेकेंडरी प्रीफिक्स जब आपको सबसे पहले लिखना है तो आप लिखिए 3-bromo, 3-bromo, और उसके बाद आपको लिख देना है, पांच कार्बन है तो इसलिए लिखिए पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं इसलिए एन, तो नाम हो जाएगा 3-bromo, 3-bromo पेंट एन, ठीक है, 3-bromo पेंट एन। समझ में आया? इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आई होप आपको सारी चीजें, आज का जितना हमने बताया है वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, और अब हम लोग हर रोज 5 बजे आपको हमारे इस चैनल पर, जो आपका ये चैनल है स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी, ठीक है, स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी पर, आपको हर रोज 5 बजे केमिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार वीडियो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो आपको मिलेगी, जो आपको, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप जेई का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, या आप 11th 12th में हों, या आप चाहते हैं हम आगे चल करके नीट या जेई की तैयारी करेंगे, तो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये लग रहा हो कि ये तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो एकदम बेसिक से है, तो हो सकता है आपके लिए बेसिक हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस नहीं बनेगा तो आगे की चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि जो भी हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को आप लाइक करिए, सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों को, या जो भी एलिजिबल हैं नीट या IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, JEE एडवांस का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आप लाइक करिए पहले वीडियो को, शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए इसी को, अपने फेसबुक पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करिए, सभी को शेयर करिए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू, मिलते हैं कल के अपने वीडियो में 5 बजे, याद रखिएगा, अलार्म लगा लीजिए, 5 बजे आपको हर हालत में इस चैनल पर आ जाना है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।